अरे बाबा मोबाइल क्यों लिया आपने? दिन भर मोबाइल लेकर बैठी रहती हो, तुम्हें पता है ना आज लड़की वाले आने वाले हैं तुम्हें देखने के लिए। अरे पापा मुझे पता है। तुम्हें दिन भर मोबाइल नहीं मिलेगा, जाओ तैयारी करो। ठीक है जा रही हूँ। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बैठिए बैठिए। आप भी बैठिए, आप भी बैठिए। लड़का तो खूबसूरत है। हाँ लड़का खूबसूरत। आने में कोई तकलीफ तुझे नहीं हुआ? अरे पापा ये तो बदतमीजी से बात कर रहे हैं, बताओ तुझे बोल रहे हैं। माफ करना जुबान से निकल गई। मेरा मतलब है तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, बहुत आराम से हम लोग पहुँचे। अच्छा ठीक है, पानी तो पी ले। अरे पापा फिर बदतमीजी पे आ गए हैं। अरे गलती हो गई, जुबान फिसल गई। ठीक है वो सब छोड़िए, लड़की को बुलाइए। जाओ बेटी काजल को बुलाओ। पापा ये बिस्कुट तो हमारे लिए आया था, लेकिन ये खुद भुक्कड़ की तरह खा रहा है। टेंशन मत ले बेटा, बचेगा तो हम लोगों को भी मिलेगा। पापा बहुत अच्छी है। हाँ बेटा हमें लड़की पसंद आ गई है, हमारे तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। अरे अब तो खाना बंद कीजिए। अरे शादी का दिन तो बता दीजिए। अगले महीने की 2 तारीख को शादी फिक्स समझिए। अरे लाइए कहाँ भुक्कड़ की तरह खा रहे हैं। पापा जल्दी जल्दी खाइए वरना फिर से ले लेगा। ठीक है भाई साहब, अगले महीने की 2 तारीख को बात लेके आएंगे। काजल काजल ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम सगाई कर रही हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो काजल? प्यार मुझसे, शादी छिले हुए आम से। अबे साले छिले हुए आम किसे बोल रहा है? अबे तुझे बोल रहा हूँ, बैठ जाने तो तेरा सर फोड़ दूंगा। और काजल तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे बेटा अबे शादी को कैंसिल करते हैं, इसका तो पहले से एक आशिक है। नहीं पापा शादी करूंगे तो इसी से करूंगा, इसने मुझे छिला हुआ आम कैसे बोला। वैसे पापा एक ही तो आशिक है। काजल ऐसा मत करो, चलो हम दोनों भाग चलते हैं। काजल ये मैं क्या सुन रहा हूँ काजल, प्यार मुझसे और शादी टकले से काजल। ओ भाई शादी टकले से नहीं, उछले हुए आम से हो रही। और ये बता तू कौन? मैं काजल का आशिक हूँ। अरे बेटा अब तो शादी एकदम से पक्का कैंसिल, इसका दूसरा भी आशिक आ गया। नहीं पापा शादी करूंगा तो मैं इसी से करूंगा, इसने मुझे फिर से छिला हुआ आम बोला। जाने दीजिए ना पापा, वैसे भी 2 ही तो आशिक है। किसी के घर पे लड़की देखने आया? हमारे गांव में काजल नाम की लड़की है, उसी को देखने आया। बस हाँ भैया बस वही हमें पहुँचा दीजिए। लो भाई ये सीधे रास्ते पकड़ के चले जाओ, उधर सामने बैठे हैं। काजल चलो मैं और तुम भाग चलते हैं। काजल नहीं वो मेरे साथ जाएगी। काजल काजल तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो? काजल 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 ये तुम्हारे बाल कहाँ गए काजल? अबे हटा साले अंधे, मैं तुमको काजल दिख रहा हूँ। काजल उधर है। काजल अबे तू कौन है? मैं काजल का आशिक हूँ। बेटा अब हद हो गई, ये शादी कैंसिल, अब ये शादी नहीं हो सकती, चलो बेटा। लेकिन पापा। क्या पापा, बेवड़ा तो बेवड़ा अंधा भी उसका आशिक है, चलो बेटा चलो। अरे भाई साहब। क्या भाई साहब? अब शादी बिल्कुल कैंसिल। अच्छा हुआ सच्चाई पहले पता चल गई, देखा नहीं उसके 3 दिन आशिक थे। लेकिन पापा कुछ भी हो लड़की तो खूबसूरत। अरे लड़की बहुत मिल जाएंगी। अरे भाई काजल को देखने लड़के वाले आए थे, वो है या चले गए? तुम कौन हो भाई? मैं काजल का आशिक हूँ। मैं काजल से बहुत प्यार करता हूँ, साले जो देखने आए हैं ना उनकी गर्दनें उड़ा दूंगा मैं। Oh, no. अरे बेटा चौथा, और जिसको पता चल गया कि हम लोग देखने आए तो गर्दन उड़ा देगा ये। Oh, no. चल भाग चलते हैं। अरे भाई बता कर तो जाओ, चीर के रख दूंगा सालों को। अब तुम दोनों निकल जाओ, अब काजल बेटी चल रही है, और वरना
इस खंबे से बात मार मारूंगा, निकला इधर से। काजल मेरी है।